वेलकम बैक गाइस। कल जो पोजीशन मैंने कैरी करी थी उसी को अभी होल्ड किया हुआ है। प्रॉफिट्स बुक नहीं करे हैं मैंने, अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट अभी चल रहा है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी थी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ गया होगा आपके पास, उस वीडियो को भी देख लेना बाद में। तो लगभग 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट इस वक्त चल रहा है। देखते हैं कितनी और ऊपर जा सकता है निफ्टी। एक बार निफ्टी का चार्ट खोल के देख लेते हैं। ये मैंने फ्यूचर्स का चार्ट खोल दिया गलती से, एक बार मैं निफ्टी का भी चार्ट खोल के देख लेते हैं। तो निफ्टी चल रहा है अराउंड 14,668 रुपीज़ के आसपास, और मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है एक बार ये अपना प्रीवियस हाई टेस्ट करेगा, 14,740-750 के आसपास जाएगा। तो उसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये रैली और काफ़ी बड़ी हो सकती है, और चांसेस हैं कि उसको ब्रेक नहीं करेगा, वहीं से रिवर्सल शायद आ जाए। क्योंकि पिछले 2 दिनों में लगभग 1000 पॉइंट का अपमूव आ गया यार, इससे ज़्यादा और एकदम से अब क्या ही बढ़ सकता है। तो फ़िलहाल तो मैं और कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अभी इसी ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा हूँ और प्रॉफिट बुक अभी नहीं कर रहा मैं अपना। आइडियली तो मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन एक बार वेट करते हैं इसको, निफ्टी को अपना प्रीवियस हाई शायद टेस्ट कर सकता है, देखते हैं। तो चलिए इस पोजीशन का जो भी आउटकम होगा इसको मैं कैरी करूँगा या प्रॉफिट बुक करूँगा वो आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। तो गाइज 3 बजने वाले हैं और मार्केट क्लोज़ होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। निफ्टी ने जैसा कि हमने मॉर्निंग में एक्सपेक्ट किया था 10,740-10,750 के लेवल से रिवर्सल लिया है। तो गाइज़ मैंने भी अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं, 2 दिन में 1000 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी, और समझदारी इसी में है कि फ़िलहाल के लिए अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए जाएँ। तो ट्रेंड तो फिलहाल अभी भी इंटैक्ट ही है, लेट्स सी इफ टुमारो वी हिट फ्रेश न्यू हाइज और नॉट। टिल देन बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।